हाँ जी गॉडली कोई स्टूडियो बनाया है, बेहद में भी कुछ स्टूडियो कोई तैयार हो रहा है। अब वो तो वुडू स्टूडियो बनाया उन्होंने, वो तो लक्कड़ बुद्धियों का हुआ, असली असली तो चैतन्य आत्माओं का है। और हाँ जी 18 जनवरी को नैनीताल दिन बच्चों को बिल्कुल क्लियर देने का दिन और बाप बैग बम बनकर रहने का दिन है। सब बच्चे 18 जनवरी को बाबा हर साल कहते रहते हैं, वो तो 18 जनवरी 1916 का डिस्टेंस का नहीं है ना, वो तो आफ्टर 17 हो सकता है। नहीं, जिस वर्ष में, क्योंकि बाप दादा तो मर्ज करके भी बच्चों को बोलते हैं, जिस वर्ष में शरीर छोड़ा है उसी वर्ष में वो निमित्त बनने वाले बच्चे ज्ञान में आ चुके हैं, इसलिए बोला। और शरीर को छोड़ दिया और सूक्ष्म वतनवासी बन गए, तो बीके का मतलब एडवांस पार्टी के लिए, तो एडवांस पार्टी तो सारी फील्ड तो सारे में ही करने है ना। सूक्ष्म शरीरधारी भल बन गए लेकिन फिर भी कोई न कोई में प्रवेश करके पार्ट बजाते हैं, ये बात उनको पता नहीं है। जो भी रुद्रमाला के मणके हैं उन रुद्राक्ष के मणकों में मुख दिखाए जाते हैं, वो मुख मुख लेने की यादगार हैं। तो जो जो शरीर छोड़ते जा रहे हैं वो कोई न कोई रुद्रमाला के वत्सों में प्रवेश करके पार्ट भी बजाए रहे हैं। और आदि नहीं है, आदि नहीं है, आदि है। राम को तो दीर्घदर्शी कहते हैं, राम को तो दीर्घदर्शी कहते हैं ना, तो इसका मतलब जो होने वाला है वो पहले ही राम को पता लग जाता है। हाँ जी, क्योंकि ज्ञानी तो आत्मा मुझे विशेष प्रिय है, जो अज्ञानी है वो कहने से भी नहीं समझते हैं, ज्ञानी तो इशारे से ही समझ जाते हैं, इसलिए। ज्ञानी प्रभु विशेष प्यारा, रामायण में तो राम को ही भगवान कह दिया है, लेकिन वास्तव में राम भगवान नहीं है, भगवान तो निराकार ज्योतिबिंदु शिव है, और शिव राम के लिए बोल रहे हैं कि मुझे ये ज्ञानी आत्मा विशेष प्रिय है, या और जो भी हो। और रावण अंतर स्त्री का पंचीकार और पुरुषों का पंचीकार दोनों मिला के रावण दुर्ग में कहते हैं, दोनों एक दूसरे बुलाते हैं जी, सीता को प्रैक्टिकल लाने वाले को राक्षस कहते हैं, रावण और राक्षस का अंतर। रावण राक्षस नहीं था, जो प्रैक्टिकल प्रैक्टिकल में ही राक्षस था, राक्षस का संस्कार अलग रहता है, रावण का संस्कार अलग रहता है। रावण खुद ही राक्षस था, राक्षस राज कहा जाता था, राक्षसों के ऊपर राज्य करने वाला राजा,
अमरनाथ में जो लिंग बनता है और गिरता है बन, तो अमरनाथ की अमरनाथ माना तो हमारे उसमें बाबा ही है, उसका शूटिंग तो अमरनाथ तो यादगार है, यादगार है, फिर जिसका शूटिंग तो यहाँ होना है ना बाबा, बनना बिगड़ना क्या बात, बनना का मतलब है तीव्र पुरुषार्थी, तीव्र पुरुषार्थी माने लिंग बन गया, इंद्रियां शीतल हैं तो लिंग बन गया, इंद्रियां अगर शीतल नहीं है तो लिंग बिगड़ गया। अमरनाथ तो यादगार है मात्र, वो जड़ यादगार है, जड़ यादगार तो है, चैतन्य यहाँ की बात है, हमें क्या पाप किया, हमको तो स्त्री का दौरा अभी नहीं मिला। आप एक जन्म में एक शरीर में देवान में क्यों टिके हैं, आप तो आत्मा है ना, आत्मा का कनेक्शन 84 जन्मों से है और आत्मा का कनेक्शन एक जन्म से नहीं है, आत्मा जब कहते हैं तो अनेक जन्म लेने वाली, और शरीर जब कहते हैं तो इस एक जन्म से कनेक्टेड है, उसको तो हम, आपकी आत्मा विश्व की बादशाही का भाग्य ले सकती है, जो स्त्री चोला नहीं ले सकता। और स्त्री चोला फिर भी इस जन्म में अधीन बनकर रहेगा, राजा स्वाधीन होता है। आत्माओं को नहीं कहा, आत्माओं को नहीं कहा, आप सब क्या हैं, आप सब आत्मा हैं। कन्या माताएं भी तो पिछले जन्म में पुरुष थी ना, एक जन्म में दुर्योधन दुशासन और एक जन्म में सीताएं और द्रौपदियां, वो तो हिसाब किताब बना हुआ है, कॉन्सेंट तो नहीं है। और बाबा में एक कुमार मेरे से पूछा था कि गीता लॉजिक में वशिष्ठ बनना है, एक से बनाओ माना सतयुग के आदि से लेकर के और कलयुग के अंत तक आत्मा पतित बनती है या नहीं बनती है, सतयुग आदि में भी पतित बनना शुरू हो जाता है, दृष्टि से पतित होते हैं या नहीं, तो ये नहीं कहा कि भ्रष्ट इंद्रियों से ही पतित बनो, दृष्टि से भी पतित होना होता है, जो श्रेष्ठ इंद्रियां हैं उनसे भी, उनके संग के रंग से भी पतित होना होता है। तो अगर प्रवृत्ति निभानी ही है तो एक के साथ निभाओ, अनेकों के साथ इंद्रियों की प्रवृत्ति निभाना ये अच्छा नहीं है, ये व्यभिचार हो जाता है। अब हमारे लिए तो एक बाबा है, एक बाबा दूसरा न कोई, और सतयुग का लास्ट नारायण जो है उसके पास जो भी रतन जवाहरात होंगे वो कोई बात नहीं है,
यहाँ ज्ञान रत्नों की बात है। संगम युग में ज्ञान रत्नों की धारणा राम वाली आत्मा करती है। जो आखिरी नारायण बनने वाला है वो हवाई जहाजों में घूमता रहता है, मान मर्तबा बढ़ाता रहता है, मोटी मोटी पुस्तकें छपाता रहता है। जो ब्राह्मणों का मुख्य कर्तव्य है ईश्वर का ज्ञान लेना, ईश्वर का ज्ञान देना, ईश्वरीय महावाक्यों पर मनन चिंतन मंथन करना, वो नहीं करता। शास्त्रों का मनन चिंतन मंथन करके नाम वाला कर लेता है। उससे कोई बाप थोड़े प्रत्यक्ष हो जाएगा। तो जो करना है वो नहीं किया, जो नहीं करना है वो ही किया, इसलिए आत्मा के ऊपर कर्जा चढ़ जाता है। और ब्रह्मम वाक्यम जनार्दनम, जो ब्रह्मा का वाक्य है वही जनार्दन का वाक्य है। दोनों में अंतर नहीं होना चाहिए। अर्दन माना आवाज सुनने वाला, जो पीड़ा की आवाज है, पब्लिक की पीड़ा भरी आवाज, वो सुनने वाला जनता जनार्दन ही है, नारायण ही है। नारायण की आवाज और ब्रह्मा की आवाज एक होनी चाहिए। नारायण कोई दूसरा नहीं है। जो विष्णु बनता है वही नारायण है, ब्रह्मा सो विष्णु। इसलिए बोला ब्रह्मम वाक्यम जनार्दन। भक्ति मार्ग में विष्णु आदि से ब्रह्मा निकला है, बनाया मूर्ति बनाई, बनाया नहीं, वो तो यादगार बनाई है। वास्तव में बात यहाँ की है, यज्ञ के आदि में कोई युगल जोड़ी थी जो विष्णु के समान एक दूसरे से संस्कार मिला के चलने वाली थी। ब्रह्मा की उत्पत्ति उन्हीं से होती है 10 वर्षों के बाद। सन 36 में वो युगल जोड़ी थी जो मम्मा बाबा को भी डायरेक्शन चलाती थी। 10 वर्ष के बाद वो प्रत्यक्ष हो गए जिनसे ब्रह्मा का जन्म हुआ। ब्रह्मा ने अपने को पहचान लिया, मैं ब्रह्मा हूँ। लक्ष्मी तो संगम में क्या होता है? हम पहले स्थूल समझ लेते हैं, स्थूल पांव की बात नहीं है, बुद्ध रूपी पांव की बात है। सारे विश्व का राज्य लेना है, छोटे छोटे राजा होते हैं वो भी परेशान हो जाते हैं छोटी सी राजाई में। तो सारे विश्व को कंट्रोल करना, उसमें बुद्धि की थकान तो होती है, तो नारायण ही सहयोग देती है। वो सहयोग देना ही उनका पांव दबाना है। और पांव दबाना माना जो राम जो नारायण बनने वाले आत्मा की जो बुद्धि में जो है उसको ग्रहण करना। हाँ जी, ग्रहण भी करना है और साथ साथ सहयोग भी देना है ताकि बोझ हल्का हो जाए। सहयोग दिखाने के लिए देने वाले तो बहुत बनते हैं, लेकिन एक होता है स्वार्थ के आधार पर सहयोग और एक होता है निस्वार्थ सहयोग। ब्रह्मा बाबा को समझ में आने के कारण लक्ष्मी को काट दिया। हाँ जी, हाँ जी, हाँ। उनकी समझ में नहीं आया तो काट दिया, बच्चा बुद्धि थे। और बुद्धि का एक फायदे बाबा, तुम माँ पिता नीचे तुम कह सकते हो बाप दादा, यह तो माँ पिता में बाप दादा आ जाता है, परंतु नहीं, रचना है तो माता चाहिए। अब माता पहले कौन है, यह है पूरी से पूरी बात। प्रसाद ब्रह्मा के साथ कोई प्रसाद पत्नी भी चाहिए? नहीं,
प्रजापति नहीं चाहिए क्योंकि यह उपकारी है। प्रजा माता चाहिए, प्रजा की माता होती है, प्रजा की पत्नी नहीं। प्रजा बच्चों को कहा जाता है, इसलिए बोला। जो जगदम्बा है वो प्रजा की माता है, प्रजा की पत्नी नहीं है। प्रजा का पति है, पति है तो जरूर पत्नी भी है, लेकिन पति की पत्नी है, प्रजा की पत्नी थोड़े ही है। हाँ एक वार्तालाप में बाबा ने कहा कि शंकर और महाकाल में चंद्रमा अंधा रूप से दिखाते है ना, तो बाबा ने कहा कि वो तो अधूरा सो रहे बोल के ब्रह्मा की श्लोक तो अभी तक अधूरा पाठ में रहे। शंकर पुरुषार्थी है तब तक चंद्रमा भी अधूरा है। जब शंकर बाप समान शिव है तो चंद्रमा भी संपूर्ण हो जाता है। अभी तो चंद्रमा अधूरा है, दोनों में प्रवेश करके पाठ भेजा रहे ना, ज्ञान के अनुसार से ही ज्ञान को पूरा समझ करके ही पाठ भेजा रहे। एक के द्वारा लेफ्टिस्ट का पाठ बजा रहे हैं ब्रह्मा, और एक के द्वारा राइटियस का पार्ट बजाए रहे हैं, है दोनों में ही अधूरा। ज्ञान को समझ कर ही कर रहे ना, वो पार्ट हमें करना है। नहीं, जब ज्ञान पूरा समझ में आ जाता है तो न कुछ कहने को रहता है, न कुछ करने को रहता है, न कुछ बोलने को रहता है। प्रश्न आया है, कुछ है प्रश्न आया है, पानी नीचे की ओर जाता है और आग ऊपर की ओर जाती है, इसका बेहद में अर्थ क्या है? पानी है ज्ञान जल, ज्ञान जल परम पिता परमात्मा से आता है। अब परमात्मा से ऊंचा कोई और है? कोई ऊंचा नहीं है, और जो भी है वो उत्तरोत्तर नीचे होते जाते हैं। तो ऐसे ही ज्ञान की सरणी है पानी, पानी भी नीचे की ओर जाता है, ज्ञान भी नीचे की ओर जाता है। जितने जितनी आत्माओं से ज्ञान गुजरता जाता है उतना ज्ञान बेविचारी होता जाता है। दुनिया की हर चीज पहले सत्वप्रधान होती है, बाद में तमोप्रधान होती है, ज्ञान का भी यही है। ज्ञान की और पानी की चाल एक ही है, और याद की चाल, याद की अग्नि है, ये याद की अग्नि जितनी तीव्र होगी, जितनी ज्वाला रूप होगी, उतनी और ऊंची जाएगी। याद की भी अग्नि होती है, काम की भी अग्नि होती है, दोनों का हिसाब एक ही जैसा है।
तीव्र पुरुषार्थ माने निरंतर पुरुषार्थ, अंतर ना आए, गैप ना पड़े बीच में। और जो धीमा पुरुषार्थ होता है उसमें बीच बीच में गैप पड़ता जाता है। कृष्ण मक्खन चुराता है और सभी गोप खाते हैं, इसका बेहद में अर्थ क्या है? ये विश्व की बादशाही का मक्खन है, ये विश्व की बादशाही कमाने वाला एक है जिसमें शिव बाप प्रवेश करते हैं। लेकिन वो लड़ाई झगड़े से, हिंसा से नहीं, चोरी से लेता है। ऐसी चोरी करता है जो जिसका चुराया जाता है उसे पता भी नहीं लगता कि हमारी चोरी हो गई। तो मक्खन चुराने वाला है कृष्ण, कृष्ण का नाम दे दिया है, वास्तव में है शिव बाबा की बात। चुपके से राजधानी स्थापन करता है, ये चोरी है, सीना चोरी नहीं है। और हम सब गोप बैठ करके खाते हैं। भक्ति मार्ग का संस्कार रहने से शरीर छोड़ना पड़ेगा, तो भक्ति मार्ग का संस्कार नंबर वार सबके अंदर रहता है। तो वो ऐसा कौन सा संस्कार है जिसके कारण शरीर छोड़ना पड़ेगा? एक संस्कार थोड़ा ही होता है, सारे ही संस्कार है। आत्मिक स्थिति में अगर स्थित 24 घंटे न रहे, थोड़ा भी देवान आया तो भक्ति मार्ग का संस्कार आ गया। भक्ति आती है रावण से, ज्ञान आता है शिव बाबा से। ज्ञान का मूल है बीज बिंदु, बिंदु में टिक गए तो शरीर नहीं छोड़ना पड़ेगा। खाना चाहिए, कपड़ा चाहिए, मकान चाहिए, जब तक ये देह के लिए चाहिए चाहिए तब तक समझो भक्ति मार्ग है। आत्मिक स्थिति में जब 100% स्थित हो जाएंगे तो इच्छा मात्रम अविद्या की स्टेज आ जाएगी, फिर भक्ति खलास। सारा कार्य प्रकृति करेगी, हमें कुछ भी करने को शेष नहीं रह जाएगा। बलराम की शादी सुरत की रहने वाली रेवती से होती है। रेवती इतनी लंबी होती है जो बलराम को अपने हल से छोटा करना पड़ता है। तो वेद में ये बात कैसे लागू होती है? कोई भी कन्याएं होती हैं, उनकी ग्रोथ, उनके शरीर की बाढ़ तब तक बढ़ती रहती है जब तक उनकी शादी नहीं होती। शादी कोई ढोल मजीरे से ही नहीं होती है,
बाबा ने बोला है विकार में जाना माना शादी, तो ये हल जो है वो विकार में जाने का शस्त्र दिखाया गया है। ऐसी शादी जब हो जाती है तो ग्रोथ रुक जाती है, इसलिए कोई भी स्त्री की लंबाई पुरुष से जास्ती नहीं होती है। पुरुष जास्ती लंबा होगा और स्त्री उसके मुकाबले छोटी होती है। तो वेद में ही तो बताया, वो हल कोई स्थूल हल की बात हो रही है। शास्त्रों में सात जन्मों का बहुत गायन है, शादी में फेरे भी सात लगाते हैं और कहते भी हैं सात जन्म तक साथ रहेंगे। तो ये सात जन्मों का इतना गायन क्यों है? सतयुग में कितने जन्म होते हैं? आठ जन्म होते हैं, उनमें से पहले जन्म के लिए ये बात लागू होती है। कि सात जन्म तक सतयुग में साथ साथ रहेंगे। ये सात जन्म सतयुग की ऊंचाइयों के जन्म है, बाद में फिर नीचे गिरना तेजी से होता है, क्योंकि सतयुग में तो सिर्फ दो ही कलाएं कम होती हैं और त्रेता में छह कलाएं कम हो जाती है। तो सतयुग का गायन विशेष है सात जन्मों का। किसी ने पूछा है लौकिक में शिवालय में जाकर वहां का प्रसाद लेकर नहीं आना है, ऐसे क्यों कहते हैं? शिव के ऊपर चढ़ाया हुआ प्रसाद किसी को नहीं खिलाना है, इसका अर्थ क्या है? शिवलिंग पर चढ़ाए फूल भी नंदीश्वर रख देते हैं। शिवलिंग पर जो फूल चढ़ाते हैं तो नंदीश्वर रख के आ जाते हैं साथ में लेके। हाँ, फूल चैतन्य है या जड़ फूल की बात है? चैतन्य कौन है? जो कन्याएं अर्पण की जाती हैं वो ही फूल है। कन्या का दान एक बार कर दिया तो उसको वापस लेना है क्या? है नहीं लेना है, इसलिए दिखाते हैं ये जो आपने बोला यही प्रसाद है। शिव किस लिए आता है इस संसार में? पतितों को पावन बनाने के लिए। तो पतितों को जो पावन बनाता है संग के रंग से ही तो पावन बनाता है। सारी दुनिया पतित कैसे बने? पतितों के संग में आने से पतित बने। शिव है पावन, पावन को एक बार जो चढ़ावा चढ़ा दिया वो चढ़ावा फिर कोई दूसरा स्वीकार नहीं कर सकता, करेगा तो नीचे गिरेगा। कुछ समय तो होने के बाद भी वापस जा रहे ना, तो अपना भी नुकसान कर रही है
और संसार का भी नुकसान करेंगे। वो आत्माएं दूसरे धर्म में कन्वर्ट होकर के नीचे गिरेंगी या सूर्यवंशी बन करके रहेंगी, चंद्रवंशी बन के रहेंगी? हैं? हाँ, तो नीचे गिरना हो जाएगा ना। स्वधर्म निधनम से या परधर्म हो भयावह, औरों के धर्म में गिर गए तो नीचे गिरेंगे। हाँ जी, क्या शिवशंकर भोलानाथ के? हाँ, इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ ये है कि जैसे शिव निराकार है, वैसे शंकर वाली आत्मा भी निराकारी स्टेज आत्म की स्थिति में सदैव के लिए टिक जाती है। बोलों का नाथ है, चाणों का नाथ नहीं है। हाँ जी, और शंकर का मान कहते हैं ना कि इतना टेढ़ा मेढ़ा है कि तुम बच्चे भी समझ ना सको। है कोई भी बच्चा नहीं समझ पाएगा। है तो समझेगा, जो समझेगा वो फिर भगवान ही हो जाएगा, आत्मा सो परमात्मा हो जाएगा। अब आत्मा सो परमात्मा अनेक बनेंगे कि एक ही होगा? आत्मा सो परमात्मा ये एक का गायन है या अनेक परमात्मा है? एक परमात्मा जानने की बात नहीं, संकल्प की जानने की बात नहीं, बनने की बात। बनने की नहीं, संकल्प का मार इतना टेढ़ा मेढ़ा है कि तुम बच्चे समझ में आते हैं। हाँ जी, कोई नहीं समझेगा, जो समझेगा वो जानत तुम्हें तुम्हें हुई जाएगी। एक राम वाली आत्मा समझती है तो वो स्वयं शिव हो जाती है, शिव समान, बाप समान हो जाती है। और वास्तव में भगवान तो अकेला होता है, भगवान के साथ भगवती नहीं होती है। फिर भी भगवान आते हैं तो उनका विरोध है, मैं आप समान बनाता हूँ, स्त्री को भी आप समान बनाता हूँ और पुरुष को भी आप समान बनाता हूँ। तो टाइटल है ये भगवान भगवती का, वास्तव में भगवान तो एक है, गॉड इज वन। भगवान कभी दो नहीं होते हैं, भगवान जैसा और कोई हो भी नहीं सकता, भगवान जैसा भगवान एक ही होगा। और अंत समय में जब फाइनल पेपर आउट हो जाए, माता जी का सवाल है कि शंकर शिव की पूजा करके शिवालय से जब आते हैं तो बिना पैर धोए अंदर नहीं आना बोलते हैं, बिना पैर धोए अंदर नहीं आना कहते हैं, वो क्यों कहते हैं? बुद्ध रूपी पांव की बात है ना, पहले बुद्ध रूपी पांव का प्रक्षालन करो तभी तो नजदीक पहुंचेंगे। मेरे नजदीक कौन आ सकेंगे? जिनकी बुद्धि शुद्ध होगी, जो पवित्र होंगे वो आ सकेंगे, या पवित्र मेरे नजदीक आ सकेगा? अपने घर, अपने घर, वही घर है, घर तो परमधाम ही है। वो कह रहे हैं जैसे पूजा करके आते हैं। अरे परमधाम ही तो घर है ना, वो तो हद का घर है, वो यादगार है। परमधाम जो है उसका यादगार है मंदिर, मंदिर को यूं ऐसा बनाते हैं, वो परमधाम की यादगार दिखाई गई है। मंदिर में जाने पैर माने बुद्ध रूपी पांव, मंदिर में
मंदिर से जब घर को आते हैं अपने घर जब आते हैं बिना पैर का अंदर नहीं आना बोलते हैं, ऐसे क्या है? वो तो पैर पहले ही धुल जाते हैं, मंदिर में जाने के मात्र से ही पैर धुल जाते हैं। परम नाम से जो भी आत्माएं आती हैं पवित्र आती हैं या पवित्र आती हैं? जिसे पैर धो के अंदर आना बोलते हैं तो पवित्र आत्माएं आएंगी ना, अपवित्र थोड़े ही आएंगी। नई सृष्टि में सतो प्रधान सृष्टि में जो भी आत्मा उतरेगी परम धाम से वो सात्विक चरण वाली उतरेगी। बुद्ध रूपी पांव सात्विक होने चाहिए। जब परिक्रमण लगाते हैं नवग्रह को परिक्रम लगा के पांव को साफ करके फिर शिवालय में जाते हैं, तो पहले बाप के पहले ये ग्रह बीच में आ जाते क्या बच्चों के सामने? वो नौ आत्माएं हैं जो गुरु बन के बैठती हैं, उनके संपर्क संसर्ग में आए बगैर कोई कैसे अंदर चला जाएगा? वो तो आठ अष्टदेव हैं जो सजाए नहीं खाते हैं, बाकी तो सब सजा खाने वाले हैं ना, अपूर्ण हैं, संपूर्ण गुरु कोई भी नहीं है। नंबरवार नौ धर्म पिताएं हैं, उन नौ धर्म पिताओं के नौ ग्रह हैं, नौ ग्रहों के आठ अष्टदेव हैं, वो अष्टदेवों से गुजर के ही जाना पड़े हर एक को। और अरे घोषित तो मिले आपको नष्टो मोहा स्मृति लब्धा। हाँ जी नष्ट मोह नष्ट हो गया कि अभी कहीं मोह लगा हुआ है? लाव लाव लिच्या लगी हुई है वो तो है, तो बस और कुछ नहीं है। फाइनल पेपर पेपर तो आगे पेपर और क्वेश्चन तो आउट हो गए हैं, अंत में क्या होगा? अंत में उसका रिजल्ट निकलेगा कौन कितना बना है, किस परसेंटेज में बना है। नष्टो मोहा 100% नष्ट मोहा बना है, एक शिव बाबा दूसरा न कोई, या कुछ रह गया है? अगर कुछ रह गया है तो वो ही परसेंटेज में कमी हो जाएगी। तो वो भी वो नुक्ति बहुत हो गया, वो 100% जो फाइनल पेपर में पास हो गया उससे कुछ है आगे तो क्या? वही है 16,100। और क्या ब्राह्मण जगदम्बा ब्रह्मा विष्णु लौकिक में अब तो पंजाबी कुल का है ना, पंजाबी ब्राह्मण नहीं होते हैं? पंजाब में भी तो ब्राह्मण तो होते हैं ना, खून भले पंजाब का है, उनके ऊपर छाप भले सिखों की पड़ी हुई है, लेकिन है तो पंजाबी ब्राह्मण ना। और तेलुगु में पूछ लो। आखिरी जन्म में जो शूद्रों में कोई पैदा हुए ज्यादातर लोग, तो फिर उनका क्या? बाप किसने आते हैं? जो मुरली में बात थी जिस बात के ऊपर ये बात उठाई है, वहाँ ये बात चल रही थी बाप किस में आते हैं? सिख में तो नहीं आवेंगे, इस्लामी में तो नहीं आवेंगे, आर्य समाजी में तो नहीं आवेंगे, किस में आवेंगे? ब्राह्मण में ही आवेंगे। लास्ट जन्म में भी वो तीनों ब्राह्मण ही होते हैं, चारों। छोटी माँ भी पंड्या
बड़ी माँ भी शर्मा पंजाबी ब्राह्मण, ब्रह्मा बाबा भी बड़क जाति के ब्राह्मण है, सिंधी ब्राह्मण है, हाँ जी, और बोलो 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 तेलुगुलु चप्पू కృష్ణునికి 8 మంది పట్టపు భార్యలు 16,000 మంది గోపుల స్త్రీలు అంటారు. అది శ్రీకృష్ణుకు ఆ పట్టపు రాణి ఎవరు? 16,000 గోపు గోపిగా గోపిగాని కాదు. मन गोप गोपियों का पार्ट गुप्त है, जो उन्होंने संबंध जोड़ा कृष्ण के भगवान के साथ वो संबंध है उनका गुप्त है, और पटरानियों का प्रत्यक्ष हो जाता है. वो इतना उलफुला के चलती हैं कि संसार के सामने उनका प्रत्यक्ष संबंध तो हो जाता है, निभा नहीं पाती है. न निभा पाने के कारण चलते 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 ऊपर चढ़ी, ये पट्ट में जाके गिरी, तो नाम पड़ गया पट्टराज. क्या भगवान इतना ऊंचा है, ऊंच से ऊंचा है, तो उसका साथी भी ऊंच से ऊंचा होना चाहिए. तो गुप्त संबंध जोड़ना अच्छा या प्रत्यक्ष जोड़ना अच्छा है? मुक्त संबंध जोड़ना फिर भी अच्छा. और पट्ट में गिरती है तो फिर दूसरे धर्म में कन्वर्ट होना पड़ता है. ये कानून से 30 किलोमीटर दूर में एक गांव है, गांव का नाम अलमपुर. अलमपुर हाँ है, शक्तिपीठ है. शक्तिपीठ है वो, शक्तिपीठ है अलमपुर. हाँ भगवान का मंदिर है, शिव का मंदिर है. नाम है बाल ब्रह्मेंद्र स्वामी के. बाल ब्रह्मेंद्र स्वामी. हाँ माता का नाम जोगलांबा कहते हैं. माता का नाम जोगलांबा. जोगलांबा जोगलांबा कैसी अम्बा? जो जोग लाती है. हाँ भोग नहीं लाती, जोग लाती है. अर्थपुत्र है. अर्थपुत्र बारह ब्रह्मेंद्र और जोगलांबा. जोगलांबा ने जो योग लाती है, भोग नहीं लाती. कुछ आसपास गांव के और भी स्टूडेंट्स हैं जो अभी इधर कनेक्शन में नहीं आ पाए हैं, जिन्होंने भट्टी की है, हैं? बच्ची करने के लिए जाना है, जाने वाले दो हैं. जाने वाले दो हैं आसपास से, घंटे दो घंटे यहाँ से दूर दूर दराज के गांव में ऐसे कोई भी नहीं निकले हैं जिन्होंने भट्टी की हो लेकिन यहाँ कनेक्शन नहीं जोड़ पाया गीता पाठशाला में. नहीं सब आ चुके हैं. सब आ चुके हैं यहाँ आ चुके हैं. हाँ जी. माने यही है, ऐसे तो नहीं कोई अनंतपुर जाते हो, कोई तिरुपति जाते हो, कोई हैदराबाद जाते हो, यहाँ ना आ सके हो, यहाँ का पता ना हो उनको, ऐसे वाले तो कोई नहीं. ये तो अनंतपुर जाते थे और वो माता जी भी यहाँ से गावड़े में है. चलो
गिनती के 10-11 हैं, 11-12 10 धर्म के कहो तो 10 धर्म के 10, 11 कहो तो 11 रुद्रगण, 12 कहो तो 12 के ग्रुप। इससे ज्यादा छोटा ग्रुप तो नहीं होना चाहिए। जो भी हैं वो निरंतर रेगुलर बने रहें तो भी करनूल में संगठन मजबूत हो जाएगा। संडे संडे, गुरुवार गुरुवार भी क्लास करते रहेंगे तो भी बहुत पावर भरी रहेगी। जो नजदीक वाले हैं वो रेगुलर बने रहें, रोज क्लास करें। दूर वाले हैं तो कम से कम तीसरे दिन या सप्ताह में एक बार जरूर आए। और लक्ष्मी नारायण करके आसपास वाले में कौन कौन है यहाँ भी? ये भाई और वो माता वो भी युगल है। हाँ, वो माता है। ये भाई और वो माता एक युगल। ये माता जी और ये भाई। ये माता और ये भाई। ये दो युगल हैं। लक्ष्मी नगर जो मकान है उसके नजदीक हैं। कितना दूर? 1 किलोमीटर है। अभी बंद कर दीजिए अभी।